भगवान गणेश जी का दो बीवियां थी, रिद्धि और सिद्धि। इंसान का एक ही होती है सिद्धि। कुछ दिन ऑनलाइन नहीं रहूंगा, धारा 302 के तहत जेल जा रहा हूँ। एक लड़की को पलट के देख लिया, बेचारी खुशी से मर गई। अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं। अगर कोई बुरा लगता है तो बुरा वो है, क्योंकि आप तो अच्छे हैं। बबुआ ने मम्मी से बोला, मम्मी मम्मी मैं आज रात को सूसू करने गया तो पता है क्या हुआ? मम्मी ने बोला, क्या हुआ था? बबुआ ने बोला, मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला ना तो लाइट अपने आप चालू हो गई और ठंडी ठंडी हवा आने लगी। उसकी बात सुनकर मम्मी गुस्से में बोली, तू आज फिर फ्रिज में मुंह ताया हराम खोर। जब घर वाले मुझ पर गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले मैं अपना मोबाइल साइड में रख देता हूँ, कहीं छीन ना ले। एग्जाम देते हुए लड़का लड़की से, थर्ड क्वेश्चन बताओ ना। लड़की नहीं आता, लड़का। फिफ्थ का आंसर बता दो। लड़की नहीं पता, लड़का। 10, 11, 12 का लड़की, वह भी नहीं आता, लड़का। याद रखना, अगर तेरे 80% मार्क्स आए तो सावधान इंडिया में तेरे मर्डर का एपिसोड जरूर आएगा। लड़की बताओ कौन सा बताना है। पेपर देते समय एक बच्चा गुमसुम सा रहा। मैडम बोली, तुम कंफ्यूज क्यों हो? बच्चा चुप रहा। मैडम बोली, क्या तुम पेन भूल गए? बच्चा फिर चुप रहा। मैडम बोली, क्या रोल नंबर भूल गए? बच्चा फिर चुपचाप रहा। मैडम फिर बोली, क्या कैलकुलेटर भूल गए हो? बच्चा बोला, अरे चुप हो जा मेरी माँ, इधर मैं पर्चियां गलत सब्जेक्ट की ले आया और तुझे पेन पेंसिल की आग लगी है। एक लड़की ने बस स्टॉप पर एक लड़के को देखा और मोहित होकर बोली, आई लव यू। लड़के ने लड़की के सिर पर उसी का दुपट्टा रखा और बोला, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा। इस कागज पर एक दुआ लिखकर दे रहा हूं, इसे सोने से पहले रोज पढ़ लिया करो। लड़के ने कागज लिखकर लड़की को पढ़ाया, बस आई और लड़का निकल गया शर्मिंदगी के साथ। लड़की ने कागज खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, अक्ल की अंधी पिटवाएगी, क्या पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा नंबर है, फोन पर बात करेंगे, और हां आई लव यू। इंग्लिश मूवी में 10 बार किस कर लो तो भी प्यार नहीं होता, और यहां लड़की क्लास में पेन मांग ले तो रातों की नींद हराम हो जाती है। एक बार एक पति और पत्नी बगीचे में हाथ में हाथ डाले घूम रहे थे, उसी टाइम एक शरारती बच्चा वहां से गुजरा और बोला, अंकल कल वाली ज्यादा मस्त थी, पति 4 दिन से खाली पेट बगीचे में उस बच्चे को ढूंढ रहा है। क्लास में टीचर ने पप्पू को पूछा, एक तरफ पैसा दूसरी तरफ अक्कल, क्या चुनोगे? पप्पू, पैसा। टीचर, गलत, मैं अक्कल चुनती। पप्पू, आप सही कह रही हो मैडम, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। नींबू केला और नारियल आपस में बात कर रहे थे, तभी नींबू बोला, लोग हमें बीचोबीच काट के निचोड़ के पी जाते हैं। फिर केला बोला, लोग तो मुझे नंगा करके खा जाते हैं। फिर नारियल बोला, तुम लोगों का तो फिर भी ठीक है, मुझे तो लोग इतना पटकते हैं कि मेरा सुसु निकल जाता है और लोग उसे भी पी जाते हैं। नर्सरी क्लास में बच्चों से पूछा गया, भगवान कहाँ रहते हैं? एक बच्चा बोला, भगवान हमारे बाथरूम में रहते हैं। टीचर ने पूछा, ये तुम्हें कैसे पता? बच्चा बोला, मेरे पापा रोज सुबह बाथरूम का दरवाजा पीटते हुए कहते हैं, हे भगवान तुम अभी तक अंदर हो। गाने सुनकर सोना और ताने सुनकर उठना, हाय कितनी मस्त झंड है मेरी जिंदगी। पप्पू परफ्यूम की दुकान पर पहुंचा, दुकानदार से बोला, आज मैं गर्लफ्रेंड के घर डिनर पर जा रहा हूँ, एक परफ्यूम देना बढ़िया खुशबू वाला। एक परफ्यूम मिलने पर पप्पू फिर बोला, अच्छा एक और परफ्यूम दे दो, उसकी बहन भी बड़ी खूबसूरत है। थोड़ी देर में फिर बोला, अच्छा एक और दे दो, गर्लफ्रेंड की माँ भी अभी काफी जवान है, बहुत पैसा है उनके पास इसलिए सबको लाइन में रखा है। पप्पू गर्लफ्रेंड के घर डिनर पर पहुंचा और जैसे ही लड़की के पापा आए वह सिर झुकाकर बैठ गया। गर्लफ्रेंड ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शर्मीले हो। पप्पू ने जवाब दिया, मुझे भी कहां पता था कि तुम्हारे बाप की परफ्यूम की दुकान है। पहले मैं सिंगल था, फिर मेरे दोस्त ने उसकी गर्लफ्रेंड से मिलाया, अब वो सिंगल है। आज सुबह मैं जैसे ही घर से निकला एक बिल्ली मेरा रास्ता काट गई, मैं वहीं पर रुक गया। ये देखकर बिल्ली बोली, अबे चला जा, तेरी तो शादी हो चुकी है, अब इससे बुरा और क्या होगा।